26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाली झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा तैयारी को लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर के सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के बैठक की है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, आजसू से विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद सिंह मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में विपक्ष के कोई विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सत्र शांतिपूर्ण चले, लेकिन विपक्ष के ऐसे कई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमेशा विधानसभा हंगामे का भेंट चढ़ता आया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस बार हमें यह उम्मीद है कि सत्र शांतिपूर्ण चल सके। ये विधानसभा आहूत होने के पहले का ये डिक्रम होता है कि हम लोगों को हाई पावर कमेटी के साथ, यानी राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं उन तमाम लोगों के साथ बैठना पड़ता है, विधि व्यवस्था वगैरह वगैरह के लिए उनसे बात करना पड़ता है। मान्य सदस्यों का सवाल जवाब का उत्तर, ससमय आना, विधेयक को ससमय आना, विभिन्न विषय पर बात करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग बैठक करते हैं आपको सारे दल के नेताओं के साथ। जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि इस मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे कल, हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। हाँ भाई, रस्सी उसी लेके आ जाए, घेरेंगे क्या, बांध दे। आपके कार्यकाल में हमेशा सत्र एक इतिहास रचता रहा है, तो इस पर भी कोई ऐसे विधेयक आएंगे जो ऐतिहासिक होंगे? अभी देखिए, बहुत विषय राज्य के अंदर भी है और देश के अंदर भी ज्वलंत है। 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलने वाली झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। 26 तारीख से चलने वाले विधानसभा सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे, लेकिन ये कार्य दिवस भी काफ़ी छोटा बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे होंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। दरअसल इस बार विधानसभा की अगर बात करें तो विपक्ष संथाल में हो रहे घुसपैठ का मामला हो, या फिर सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज, या फिर पारा शिक्षकों के ऊपर हुए लाठीचार्ज समेत ऐसे कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने का काम करेगी। हालांकि इस बार की अगर हम सत्र की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का 2024 का ये आखिरी सत्र है, क्योंकि कुछ महीने के बाद झारखंड असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसे स्थिति में हेमंत सोरेन के कार्यकाल का ये आखिरी सत्र बताया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार इस सत्र में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यह है कि इस बार विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नज़र आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब ये देखना कि 26 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल पाती है, या फिर ये भी सत्र 2024 का हंगामे का भेंट चढ़ता है। अपने बीडो जल समिति के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेशन रांची।